वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को. आज मैं और भैरवी आए हैं शॉर्ट्स ट्राई करने के लिए. ये हैं एकदम फलों से बने हुए, बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार. हमने फर्स्ट टाइम ये शॉर्ट्स ट्राई किए हैं. नमस्ते दोस्तों, अब हम जा रहे हैं माणिक चौक मार्केट, जो कि रात को खाने पीने का सामान लेने और खाने के लिए बहुत मशहूर है. तो मैं दिखाती हूँ आपको एक झलक, क्योंकि यहाँ अंदर तक कार नहीं आती है, इसलिए हमने कार को बाहर ही छोड़ दिया है और वहाँ से ऑटो किया है. 30 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 80 रुपये का किराया लेते हैं. अब आ गए हैं हम बिल्कुल मेन मार्केट में, चांदनी चौक जैसी मार्केट है. दूसरी चांदनी चौक नहीं लेगा, वो भी एक रफ आइडिया ले सकता है कि वो कैसा है. अब आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ कि ये मार्केट कैसी है. कुछ बंद हो रही है, हम लेट हो गए हैं, लेकिन जैसी भी हमको एक झलक यहाँ की लेनी थी. और यहाँ पर खाना खाना है जो यहाँ मिलता है. तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये लुक कैसी है. गुजरात के अहमदाबाद का है ये माणिक बाज़ार, जो आधी रात को ही शुरू होता है. और हम इतनी रात में यहाँ आए हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने, खाना पीना खाने, ये यूनिक एक्सपीरियंस लेने के लिए. तो हमें किसी तरीके की कोई घबराहट और डर नहीं लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा है. हमारी कैब को काफ़ी दूर बाहर चौक पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि अंदर ट्रैफिक अलाउड नहीं होता. लेकिन यहाँ आने के लिए हमने ऑटो किया है, जो कि आराम से मिल जाता है. अब आप देखिए कि आगे हम इस मार्केट में क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं. थेपला वगैरह नहीं है? थेपला नहीं है? अच्छा चलो, थेपला नहीं मिला है. भैरवी को थेपला चाहिए था, तो अब हम यहाँ से खा लेते हैं. एक पाव भाजी पैक करा लेते हैं. हाँ ठीक है. पाव भाजी पैक करानी है, कहाँ देना है बिल? अच्छा, इस माणिक बाजार में जो दुकानें बनी हुई हैं वो इस समय बंद हो चुकी हैं, और उन दुकानों के बाहर सड़क पर ये मार्केट पूरी की पूरी लगी हुई है, जहाँ पर कोई भी जगह खाली नहीं है. हर जगह चेयर और टेबल लगे हुए हैं, फर्स्ट क्लास अच्छा ताज़ा ताज़ा सामने सामने खाना बना के मिल रहा है कि आप जो चाहें खा सकते हैं. और उसके अलावा इस मार्केट में एक फ्रूट शॉट की स्पेशल शॉप है, जिसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं. अब हम इस मार्केट की और यूनिक चीज में शॉपिंग करने जा रहे हैं. और ये सब, ये भी 150 वाली है, और ये सब, ये 350 वाले. अच्छा, ये इयररिंग्स ले लेते हैं. हाँ, ये सब कितने के है? ये 150 वाले है, कोई भी सब 150 जो मैं पूछ रही हूँ. 350 बताया तो वो कह रहे हैं रेट लगा दूंगा जो आपको लेना है ना. ये कितने का है? ये 200. अच्छा,
ये क्या मेटल है भैया? मेटल क्या है ये? सिल्वर जो है, मतलब ऐसे ही रहेगा? हाँ ऐसे ही रहेगा। कितने का है ये? ये 2000 का है। मेरे भी दिखाना। सिल्वर थोड़ी ना होगा ये, चांदी थोड़ी ना है। मैं वही पूछ रही हूँ ना, क्वालिटी बेस्ट है ये? ऑक्सीडाइज होगा, काला हो जाएगा? नहीं, मैं भैया ये पूछ रही हूँ कि ये काला हो जाएगा क्या? कभी काला नहीं होगा। अच्छा, तो ये है क्या, मटेरियल क्या है? अच्छा भैया, वो तो आप बोल रहे हो ना, तो हम मान रहे हैं जर्मन सिल्वर। इसमें छोटा साइज भी है क्या? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। ये ना सातों वाले भी है। अच्छा ये भी है, ये क्या मटेरियल है भैया? अच्छा ये कितने का है? 400 700। और ये बाकी, ये वाला, ये थोड़ा अलग है भैया, ये कितने का है भैया? ये वाला कितने का है? डैमेज है, कहाँ से डैमेज है? हाँ डैमेज है। बहुत सुंदर लग रहा है ना। हाँ डैमेज है। चलो कोई नहीं, देखते हैं भैया। सुंदर लग रहा है ना, अच्छा ये इनका रिटर्न चला जाएगा ना। चलो आओ, बैठने को बहुत पसंद आ गया ये। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं और फिर आते हैं यहाँ लौट के, क्योंकि ये इसी चीज की सारी मार्केट है। कुछ और रेट भी देखते हैं। हाँ ये मैंने वहाँ ऑर्डर दिया है, पता है, बेंगलुरु में। पर ये सिल्वर नहीं है, मुझे सिल्वर चाहिए, नकली नहीं चाहिए मुझे। ये देखो, हाँ चलो देखते हैं कुछ और। तो ब्यूटीफुल ये पर्स कितने कितने के हैं सब? अलग अलग बताओ ना, एक दो का बताओ, कोई बताओ। 800 का आएगा ये। 800 भैया, खोल के दिखा दो अंदर से कैसा है। अच्छा ठीक है, और कोई उधर बाजू में आ जाओ। अच्छा ठीक है, इधर से बताओ, इधर इधर कह रहे हैं ना भैया, बताओ। मम्मी ने चला दिया है, ये 1200 वाला है। ये 1200 का है। अच्छा ये 650 वाला है। 650 ठीक है, ये 650 वाला है। ये सब 800 वाला है। अच्छा ये 800 का है, ये 1600 का है। ये कितने का? ये 1600 का है। ये मटेरियल क्या है, मेटल है? ये ब्रास के ऊपर आएगा। अच्छा तो इसकी पॉलिश का क्या रहेगा भैया? लॉन्ग लास्टिंग है। हां ना, पर्स को दिखाओ, 1600 का है। तो वजन क्यों इतना? ये ब्रास के ऊपर बना। अच्छा ब्रास के ऊपर है, क्वालिटी के क्वालिटी वाइज पॉलिश ऐसी रहेगी। हां ये एक और है ऐसा पीछे, वो कितने का है? वो 1000 वाला है। वो दिखा दो कैसा है। ये 1600 और ये वाला 1000। इसकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी है, थोड़ा लोकल रहेगा ये, लेकिन ऐसे ही रहेगा ये, अच्छा। और देंगे कितने का अगर ये लेना हो तो? भैया इसको हम पॉलिश करें पहले, हाथ में पकड़ लेते हैं, मिले तो बाहर से लेंगे। बहुत मार्केट लगता है यहाँ तो।
इतना वो रहता है। हाँ लग ही रहा है वो तो देखकर। तो अगर अंदर से आएंगे तो यहाँ भद्रकाली मंदिर है, यहाँ पर उतरना है ऑटो से। और भैया ने हमसे थोड़े ज्यादा पैसे लिए नहीं, 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 नाइट कह के। आपसे दिल्ली वाले ने बहुत मुझे 500 ले लिए थे, मैं वो टोटो वाला हूँ, टोटो वाले ने मुझे 500 ले लिए। बताओ ये दिल्ली से आए तो अगर वो ऑटो वाले भैया देख रहे हैं तो वो समझ जाए गलत बात है, गलत बात है भाई। नाइट चैट ने बिल्कुल बराबर लिया है, बिल्कुल एकदम जो है ना वो ही लिया। सारा हो गया आज का यहाँ का प्रोग्राम हमारा खत्म। खाना हमने ले लिया है, होटल में खाएंगे। शॉपिंग हमारे साथ है यहाँ पर। और अब चलते हैं बाहर और अपनी कार में बैठ के होटल जाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।